नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हमीरपुर जिले में सिपाहियों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सिपाहियों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान पुलिस और सिपाहियों की जमकर धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ता सदर तहसील में वर्तमान सरकार की नीतियों के विरोध में भीड़ एकत्रित कर ज्ञापन देने जा रहे थे। सिपाहियों और पुलिस के बीच चली लंबी झड़प के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत कैंपस में बंद कर दिया। हमीरपुर जिले के सदर बस स्टॉप पे पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ता वर्तमान सरकार की नीतियों के विरोध में सदर एसडीएम को ज्ञापन देने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए और कोविड-19 के नियमों की अनदेखी करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस स्टॉप के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोकना चाहा तो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बाद में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत कैंपस में बंद कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनकी आवाज को प्रशासन द्वारा बार बार दबाया जा रहा है। जसवंत सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जनपद हमीरपुर में जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल जी के नेतृत्व में हम लोग एक ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। ज्ञापन में हम वो मूलभूत मुद्दे लिए हुए थे, जैसे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। इतना घोटाला हुआ, जनपदवार घोटाला हुआ और घोटाले खुल रहे। दूसरा, बेरोजगारी, जो युवा पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल करके बैठा हुआ उनको ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। जो लोग पढ़ के तैयार हो गए उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज कायम है, लूट घसेट मचा हुआ है, क्राइम चरम सीमा पर है, जंगल राज कायम हो चुका है। इसके इन मुद्दों पर हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके रोक लिया सबको वहाँ। इस तरह से मतलब किया जा रहा है तांडव। कोई भी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी अगर करती है तो ये लोग बिल्कुल रौद्र रूप धारण करके और तत्काल आ जाते हैं और रोक लेते हैं। भाई, हम लोगों को संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, क्या हम लोग ज्ञापन नहीं दे सकते हैं? संविधान की धारा 19 में हम लोगों को ये राइट है, पावर है कि हम अपने मन की बात को बोल सकते हैं, हम ज्ञापन दे सकते हैं, हम कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये गला घोंट रहे हैं संविधान का, मेरा इतना ही कहना है। आज हमीरपुर तहसील में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन का जो है प्रदर्शन था, और बेरोजगारी, किसानों को लेके सारी जो है इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आज एक धरना प्रदर्शन था, जो आज पुलिस प्रशासन ने हमको जो है तहसील गेट तक जाने ही नहीं दिया, और पुलिस बल के द्वारा हम लोगों को रोक लिया गया और महिला डिग्री कॉलेज के पास हम लोगों को बंद कर दिया गया। और जिस तरीके से तानाशाही बार बार समाजवादी पार्टी के साथ पुलिस प्रशासन और अधिकारियों द्वारा चल रही है, अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब रोड में आ चुकी है समाजवादी पार्टी और हम लोग अब आम जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे। जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ समाजवादी पार्टी उठाएगी और जिस तरीके से मानेंगे, जिस तरीके से सुनेंगे, उस तरीके से हम लोग आगे आएंगे।